निशान जी, इसका कोई फायदा है क्या? पंडित जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो वो हमें पहचान जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ राठौर्स की मदद करने आए। इस वक्त सिर्फ वेट्री जी और बच्चे ही हैं जो इंसानी रूप में हैं, लेकिन किसी भी वक्त वो भी उस टाइम शीशे में कैद हो सकते हैं। एक और बात पंडित जी, अगर आपको किसी भी तरह का शक हो तो आप इसके थ्रू देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सामने खड़ा व्यक्ति इंसानी रूप में या डायन रूप में। एक और बात पंडित जी, गलती से भी किसी शीशे के सामने मत जाइएगा। वेदश्री तो भाग गई। तो क्या हुआ, जाकर पकड़ लेते हैं उसे। कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर यहाँ वहाँ भागेगी, अपने परिवार को ढूंढेगी, मैराथन की रनिंग प्रैक्टिस करेगी, फिर थक हार के हमारे पास यहाँ वापस आ ही जाएगी। अगर वो भाग गई तो? कहीं नहीं भागेगी वो, जब तक उसका परिवार यहाँ हमारे पास कैद है कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी जान निकलने में भी थोड़ा वक्त बाकी है ना, तुम भागने देते उसे यहाँ वहां? ये धुआं कहां से आया? आ गए इन्हें बचाने की कोशिश करने वाले, अब देखेंगे इनकी मौत का तमाशा। निशान जी, अच्छा वहां आ गए। आपको पता है इस घर में क्या हो रहा है? अविनाश, चैताली, वो दोनों डायन बन चुके हैं। मैं सबको जानता हूँ बेचरी जी, इनफैक्ट अंश, गुड़िया, शेखर जी, अविनाश जी और चैताली जी सभी उस डायन शीशे में कैद हो चुके हैं और जो बाहर घूम रहे हैं वो उनके डायन रूप है। हाँ। और इसीलिए पंडित जी और मैं यहाँ आए। लेकिन ये सब क्या? ये इसलिए ताकि सबके डायन रूप हम दोनों को पहचान ना पाए। निशान जी, क्या हो रहा है ये सब? सब लोग शीशे के अंदर कैसे कैद हो गए और अब हम उन्हें बाहर कैसे निकालेंगे? उन्हें निकालने का एक तरीका है, उसके लिए मुझे मोना से मिलना होगा। लेकिन पता नहीं ना मोना कहाँ पर है, मुझे तो ये भी नहीं पता बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। आप फिक्र मत कीजिए, मोना अपने कमरे में ही होगी और बच्चों को भी हम ढूंढ लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना होगा कि वो कौन है जो ये सब कर रही है। क्या आप उसे जानती हैं? बच्चों, आखिर आप आ ही गए। मैं भी सोचूं, ये परिवार इतने मुसीबत में है और रीवावंशी जी अभी तक पहुंचे नहीं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मोना। देख रही हूँ आजकल बात बात पे आप मुझसे मदद मांगने पहुंच जाते हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगी? क्योंकि ये परिवार खतरे में है। मुझे उसे क्या लेना देना है, ये परिवार जिए मरे मेरी बला से। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? फैमिली मेंबर्स ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। अब तुम लोग अपनी दूसरी दादी की तरह ज्ञान बांटने मत लग जाओ। और ना तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, मेरी वजह से तुम आज इस घर में हो। वो मदद नहीं, सौदा था रीवावंशी जी। लगता है उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। आपको याद दिला दूं, पहले मैंने आपकी मदद की थी, इसलिए बदले में आपने मेरी मदद की थी। मदद तो इस परिवार ने भी तुम्हारी बहुत बार की है मोना, तुम्हें इतनी बार माफ किया, सुधरने के मौके दिए। अगर तुम सच में चाहती हो कि वो लोग तुम्हें दिल से अपना ले तो मेरी मदद करो मोना। जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उन बेवकूफों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इस घर में एक दूसरी डायन है, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, तो अब भुगते। ऐसा मत बोलिए दादी, प्लीज हमारी मदद कीजिए।
एक डायन कभी किसी की मदद नहीं करती, लेकिन खुद की तो करती है। एक डायन दूसरों के भले के बारे में सोचे ना सोचे, खुद को नुकसान कभी नहीं होने देगी। आप कहना क्या चाहते हैं? I'm sure तुम कभी नहीं चाहोगी कि कोई और डायन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाए, क्योंकि कुछ ही देर में वैसा ही होने वाला है। बाकी तुम्हारी मर्जी। रुकिए, क्या चाहते हैं मुझसे? डायन हीरा, तो क्या कहती हो, तैयार हो? ज्यादा सोचो मत मोना, हमारे पास वक्त नहीं है। लाओ वो हीरा मुझे दे दो। आप कौन है? श्री जी मैं हूँ। पंडित जी आप यहाँ? मुझे और निशान जी को पता चल गया है कि एक डायन सभी को डायन शीशे के अंदर कैद कर रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी भी उम्मीद बाकी है। निशान जी सभी को डायन शीशे से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया, लेकिन आप लोग ये करेंगे कैसे? डायन शीशे से सबको बाहर निकालेंगे कैसे? हे भगवान, ये तो वैश्री जी के रूप में डायन है, लेकिन वैश्री जी तो डायन शीशे में कैद नहीं हुई थी, तो फिर उनका डायन रूप बाहर कैसे आ गया? ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जी को मर गए? नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो सावी है ना, वो 2 फीट की लड़की, उसने क्या किया? उसे हमारे पतिदेव जी से प्यार हो गया। और ये तुझे किसने बताया? हमारे पतिदेव जी ने। अब समझी। क्या समझी? यही कि तेरा पति तुझे बेवकूफ बना रहा है। मतलब? मतलब सावी नमन से नहीं, नमन सावी से प्यार करता है। क्या? हाँ, ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। हमारे पतिदेव जी सावी से प्यार करते, इसका मतलब दिलरुपा का दिल पर बेवफा निकला। तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं वेदश्री नहीं, मैं डायन। डायन दूरों मुझसे। नहीं तो? नहीं तो? नहीं तो क्या बोलो? तुम जानते हो ना कि अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे प्राण भी सकती हूं, मगर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि आज मेरा खेलने का मन है। मामूली इंसान। I'm bored, इस खेल में मजा नहीं आ रहा। बड़ा आया था इन लोगों की मदद करने के लिए। अरे वो रीवा वंशी तो अभी तक घर पर है ना, उसका कुछ करना पड़ेगा।
वेदश्री की जुड़वा बहन होने का फायदा अब नहीं उठाऊंगी तो कब उठाऊंगी? लग रही हूँ ना बिल्कुल वेदश्री की तरह। अब मैं देखती हूँ वो रीवावंशी उन सबको डायन शीशे से बाहर कैसे निकालता है।